पंजाब सरकार ने तेजाबी हमलिया तो पीड़ित लड़कियां नूं 8,000 रुपए प्रति महीना पेंशन देने का फैसला किया है। इस ते कुछ दिनों तक पंजाब वजारत दी मोहर भी लग सकती है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तेजाबी हमलिया तो पीड़ित लड़कियां नूं पेंशन देने की योजना नूं प्रवानगी दे दी है। यह मामला पंजाब कैबिनेट की 17 मई नूं होण वाली मीटिंग दे विच विचारिया जाएगा। आम तौर पर पेंशन देने दे लई आर्थिक स्थिति नूं आधार बनाया जाता है, पर इन केसा विच अजिही कोई शर्त नहीं होगी। सूबे विच तेजाबी हमलिया तो पीड़ित लड़कियां दी सही गिनती दा हाले तक कोई अंदाजा नहीं है, पर इस संबंधी जानकारी हासिल करने दे लई कोशिश की जा रही है। पीड़ित लड़कियां नूं पेंशन देने दे लई जिला पद्धर ते डिप्टी कमिश्नर दी अगुवाई हेठ एक कमेटी भी बनेगी, जिस विच जिला सेहत अधिकारी भी शामिल होंगे। यह कमेटी सरकार नूं अजिहे केसां विच पेंशन देने दी सिफारिश भी करेगी।